नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन ऑक्यूपेशंस में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस हैं उनको पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने देखा था जो हंटिंग एंड गैदरिंग को और पोस्टर्निज्म को, तो हमने उन दोनों टॉपिक्स को पढ़ा था जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में आते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एग्रीकल्चर, जो कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। ओके, एग्रीकल्चर आपको पता है, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस है। जिस तरीके से हमने ह्यूमन ऑक्यूपेशंस को डिवाइड किया 5 कैटेगरीज में, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शियरी ऑक्यूपेशन, क्वार्टनरी ऑक्यूपेशन एंड क्वार्टनरी ऑक्यूपेशंस। तो अभी हम प्राइमरी ऑक्यूपेशंस को पढ़ रहे हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में आज का हमारा टॉपिक होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आज दुनिया के अंदर जो इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। अगर मैं विकासशील देशों की बात करता हूँ तो विकासशील देशों की जो इकोनॉमी है और वहां के लोगों का मेन लिवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर है। क्लियर? ये एग्रीकल्चर जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, उनके जीवन यापन के लिए जो आवश्यक नेसेसिटीज हैं, आवश्यक नीड्स हैं, वो प्रोवाइड करता है। अगर मैं देख कहूं कि एग्रीकल्चर वर्ल्ड की 71% जो नेसेसिटीज हैं वो एग्रीकल्चर के थ्रू कंप्लीट होती है। ओके, तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर है वो लोगों के जीवन यापन को ही नहीं करता है, बल्कि वो हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मुख्य जो स्रोत है, सोर्स है, वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर के थ्रू उन इंडस्ट्रीज को सफिशिएंट रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है जिसको वो यूज करके अपने प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से हम एग्रीकल्चर को देखेंगे। एग्रीकल्चर जो है भारत जैसे देश या साउथ ईस्ट एशिया कंट्री जो कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इन कंट्रीज के अंदर एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है ये वहां की इकोनॉमी को देखकर पता लगता है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी या साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के अंदर इकोनॉमी को देखें तो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ एग्रीकल्चर है वो बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 60-65% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ओके, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन को मोस्टली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। इस तरीके से समय गुजरने के साथ साथ एग्रीकल्चर में हमने देखा कि डेवलपमेंट्स हुए हैं। जिस तरीके से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, हम अपने एंशियंट जो सोर्सेस हैं उनमें पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर का जो ओरिजिनेट है वो हमारे जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं उनमें मिलता है। इसके एविडेंसेस हमने वहां के जो खुदाई की है, जो एक्सप्लोरेशन किया है, एक्सट्रैक्शन किया है, उसमें गेहूं, राइस और वीट जो मिला है उससे हमें पता चलता है कि उस समय भी एग्रीकल्चर की जाती थी मोस्टली रिवर वैलीज में। तो इसलिए हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले बात आती है एग्रीकल्चर के शुरुआती जो स्टेज है, यानी स्टार्टिंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो एग्रीकल्चर का जो फॉर्म आया वो सामने आया था जिसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये एक तरह से स्टार्टिंग था एग्रीकल्चर, इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई इसको सिलेशन बर्न एग्रीकल्चर बोलता है, कोई शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलता है, और हर जगह पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है।
इस प्रकार की मोस्टली एग्रीकल्चर है वो जो वो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन्स है उनमें की जाती है, हिल्स और माउंटेन रीजन्स में की जाती है, और स्पेशली जो ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, उनके द्वारा की जाती है। धीरे धीरे इस एग्रीकल्चर में अपना जो होम है उसको चेंज किया है, लेकिन आज भी वर्ल्ड में कुछ जगह पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। अगर मैं स्पेशली बोलूँ तो इक्वेटोरियल रीजन्स और इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में आज भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रचलन में है, प्रैक्टिस है, की जाती है। यस, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मोस्टली ट्रॉपिकल और हिल्स और माउंटेनियस रीजन्स में कुछ ट्राइबल लोगों के द्वारा की जाती है, वो उनके मुख्य जीवन का एक साधन है, मीन्स है, लिविंग। ओके, सबसे पहले मैं बोलता हूँ एग्रीकल्चर इसकी क्रेटेस्टिक्स के अंदर बात करते हैं, ये मोस्टली की जाती है। क्रेटेस्टिक्स इसके लिए जो ट्राइबल्स लोग होते हैं वो जंगल के एक हिस्से को, छोटे से हिस्से को, टुकड़े को, वहां से जो वेजिटेशन होती है उसको काट कर उसको साफ कर देते हैं, फ्लेश एंड बर्न कर देते हैं, काट देते हैं और उसको जला देते हैं। तो ये मोस्टली स्मॉल पैचेस पे किया जाता है। ये लोग मोस्टली इस प्रकार के एग्रीकल्चर छोटे छोटे जो पैचेस होते हैं, टुकड़े होते हैं जंगल के, उनमें करते हैं ये लोग स्मॉल पैचेस को, क्या करते हैं वहां की वेजिटेशन को स्लेश एंड बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो जली हुई जो ऐश होती है वो वहां के लिए नेचुरली एक फर्टिलिटी का काम करती है, वो वहां की सोयल में मिक्स होके एक नेचुरल फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ये लोग यहाँ पर इस शिपिंग एग्रीकल्चर को करते हैं स्मॉल पैचेस पे प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से। इनको जो ये एग्रीकल्चर करते हैं इनके लिए कोई मॉडर्न टूल्स नहीं होते, इनके पास छोटे मोटे जो प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, परंपरागत जो औजार होते हैं उनकी हेल्प से ये करते हैं। क्या इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं होती, सब इरिगेशन जो होती है वो मोस्टली नेचुरल इरिगेशन होता है। यानी स्पेशली रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं ये लोग। यहाँ पर जो इनका प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, सरप्लस बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, सरप्लस होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। यहाँ पर ये लोग जो ट्राइबल्स होते हैं और उनके फैमिली के लोग होते हैं वो अंग्रेज होते हैं इसके अंदर, इसके लिए कोई हायर नहीं किए जाते हैं, इसी प्रकार के लेबर को हायर नहीं किए जाते। जो फार्मर और उसकी फैमिली होती है वो अंग्रेज होती है, और इतना ही प्रोडक्शन हो पाता है कि वो उससे उस परिवार का लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं वो। ओके, ये प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं, नेचुरल इरिगेशन पे डिपेंड होते हैं, यहाँ पर फैमिली है वो इन्वॉल्व होती है इस एग्रीकल्चर में। ओके, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, दूसरी बात है ये लोग यहां पर लगभग 3 से 4 साल एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद यहाँ की जो मिट्टी होती है, सोयल जो होती है वो एडजस्ट हो जाती है। कि मोस्टली ये लोग हैं 3 और 4 ईयर्स यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, उसके बाद भी ये लोग हैं इस जगह को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सोयल होती है, उस सोयल की जो फर्टिलिटी होती है वो एडजस्ट हो जाती है बहुत ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से, इसलिए यहाँ की फर्टिलिटी जैसे कम होती है ये लोग उस जगह को छोड़कर फॉरेस्ट के अदर प्लेसेस पे जाते हैं और यही प्रोसेसिंग करते हैं वहां पर स्मॉल पैच पे। ये वहां की जो वेजिटेशन होती है उसको स्लेश एंड बर्न करते हैं और फिर 3 और 4 ईयर के लिए वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से इस एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो आज भी बहुत जगह पर, बहुत देशों के अंदर की जाती है। अगर हम इसकी बात करें, तो भारत के जो इंडिया के जो बहुत सारे रीजन्स हैं, उन रीजन्स में स्पेशली जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, उस रीजन में इस प्रकार की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूमिंग के नाम से जाना जाता है, झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है।
इसके साथ साथ बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर जो इस एग्रीकल्चर को किया जाता है, जहां पर मिल्पा, दजिया और अन्य नामों से जाने जाती है। अगर विदेशों की बात करूं तो अगर मैं यहां कहूं नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है। इसके साथ साथ भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको दीपा, इसको दजिया, अलग अलग नामों से जाना जाता है ट्राइब्स के द्वारा। इसके साथ सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मलेशिया एंड इंडोनेशिया, इसको क्या नाम से जाना जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदाम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वियतनाम, इसको रे के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इसको रोको के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको झूमिंग कहा जाता है, कहीं इसको मिल्पा कहा जाता है, कहीं इसको लदाम कहा जाता है, कहीं इसको रे कहा जाता है, कहीं इसको रोको कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने बताया साउथ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग के नाम से जाना जाता है, स्पेशली सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, मलेशिया इंडोनेशिया में इसको लदाम के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है और ब्राजील में इसको रोको के नाम से जाना जाता है। इस तरह से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है। इसमें जो ट्राइबल्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उस समय के बाद में अपनी जो एग्रीकल्चर फार्म्स जो होते हैं, लैंड्स होते हैं, उनको ये चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सेकंड जो हमारी आती है एग्रीकल्चर का जो फॉर्म है वो पढ़ेंगे हम, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगर इसको मैं बोलूं तो प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि, ये प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर में क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरता गया तो जो ट्राइबल्स और जो फार्मर्स थे जो अपने एग्रीकल्चर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे सोइल के एग्जस्टेशन की वजह से, अब वो लोग एक जगह रुक कर एग्रीकल्चर करने लगे। ओके, वो शिफ्ट करने की बजाय एक ही जगह पर रुककर वो एग्रीकल्चर करने लगे, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी जीवन निर्वाह कृषि। इस जीवन निर्वाह कृषि के अंदर ये लोग क्या है, एक जगह पर ही अब शिफ्ट करने की बजाय वो एक ही जगह पर एग्रीकल्चर करने लगे। और इसके अंदर भी कोई ज्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। एक इंपॉर्टेंट जो बात इसके अंदर आई कि जो पहले नॉमेडिक लाइफ थी ह्यूमन की, यानी ह्यूमन एक स्थान से दूसरे स्थान वंडरिंग कर रहा था, नॉमेडिंग कर रहा था, अब वो रुक गया और इसकी वजह से सेटलमेंट्स डेवलप हुए। सेटलमेंट्स है वो डेवलप हुए क्योंकि एक जगह एग्रीकल्चर करने लगा, तो मानो एक जगह स्थिर हो गया, रुक गया और वहां पर ये एक्टिविटी करने लगा। इस एक्टिविटी में मोस्टली होम क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जो लाइफ सस्टेन के लिए इंपॉर्टेंट है, या जीवन यापन के लिए जो महत्वपूर्ण क्रॉप्स हैं जिनके अंदर खाद्यान्न है,
स्पेशली मोटा अनाज जो होता है कोर्स ग्रेन्स होते हैं वो इसके अंदर ग्रो किए जाते हैं, और यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। इसमें भी फैमिली मेंबर्स, पूरा फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, किसी को हायर नहीं किया जाता। हाँ, यहाँ पर इरिगेशन के लिए जो वहाँ के सोर्सेस होते हैं, जो वाटर सोर्सेस होते हैं, जैसे पॉन्ड्स वगैरह हो गया, रिवर वगैरह हो गया, उसके पानी को यूज किया जाता है यहाँ पर इरिगेशन के लिए। यहाँ पर नेचुरल मैन्यूर्स का यूज किया करते हैं ये लोग, जो अपने यहाँ पर जो कुछ जानवर रखते हैं, स्पेशली यहाँ पर कुछ एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड करना शुरू कर दिए इन्होंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर इस एग्रीकल्चर के साथ साथ ये एनिमल्स का भी डोमेस्टिकेट करते हैं, यानी रियरिंग करते हैं एनिमल्स को। यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, जिससे कि उस फैमिली का जीवन निर्वाह हो सके, सरप्लस ज्यादा नहीं होता, फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसने सेटलमेंट्स को डेवलपमेंट किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस तरीके से इस फॉर्म को बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। ओके, तो ये एक तरह से इंप्रूवमेंट है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्लियर? ये मैंने आपको बताया प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर करीब करीब वही सारी चीजें हैं। इसमें भी जो मोस्टली जो टूल्स वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो प्रिमिटिव है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक प्रिमिटिव स्टेज ही है एग्रीकल्चर की। क्लियर? अब हम आगे पढ़ेंगे अनदर फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। तो बच्चों, मैंने अभी एग्रीकल्चर के अलग अलग फॉर्म्स को आपको बताया। मैंने सबसे पहले आपको बताया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का, उसके बाद में मैंने बताया प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का। अब बात करूंगा, या मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इन एग्रीकल्चर फॉर्म्स का आएगा। हमने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पढ़ा, जिसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। हमने प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर पढ़ा, जिसको बोलते हैं प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि। इसको बोलते हैं प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि, या इसको एंशियंट सब्सटेंस एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने बोला सब्सटेंस एग्रीकल्चर, सब्सटेंस मतलब होता है खाली जीवन निर्वाह कृषि। और इसमें हम दो पॉइंट्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे राइस डोमिनेटेड, एक पढ़ेंगे व्हीट डोमिनेटेड, जिसको बोलते हैं राइस डोमिनेटेड सब्सटेंस एग्रीकल्चर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हीट डोमिनेटेड सब्सटेंस एग्रीकल्चर, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर, फिर पढ़ेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, डेयरी एग्रीकल्चर, ट्रैक्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। इन डिफरेंट फॉर्म्स को हम पढ़ेंगे, इनकी करेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे। तो इस तरीके से आज हमारा टॉपिक हुआ प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का। उससे पहले हमने पढ़ा था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का। आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी को प्रॉब्लम्स क्लियर करूंगा। मेरे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेट आपके द्वारा हूँ और ज्यादा बेटर तरीके से मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।